बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के बीच बैठक में नहीं दिखे सतीश चंद्र मिश्रा, जिससे चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पार्टी में बड़ा बदलाव करते हुए मंडल व्यवस्था खत्म कर दी है। इसकी जगह उन्होंने जोनल व्यवस्था लागू कर दी। इसके लिए राज्य को 6 भागों में बांटकर 3-3 मंडलों के जोन बनाए गए हैं। हर जोन के 2 मुख्य जोन इंचार्ज होंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी का पद भी समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को हुई इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा नहीं दिखाई दिए। इससे उन पर पुरानी अटकलों को बल मिला है कि उन्हें पार्टी अब हाशिए पर खिसका चुकी है। मायावती आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद मंडल के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रही थी। इन चुनावों में बसपा ने रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, लेकिन आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। परिणाम आए तो जमाली तीसरे स्थान पर बहुत भारी मतों से रहे। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ विजय रहे। सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे। इस अहम बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा शामिल नहीं हुए। लोकसभा उपचुनाव के लिए जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भी उनका नाम नहीं था। उस समय भी यह बात उठी थी कि यूपी विधानसभा चुनाव के समय पूरे परिवार के साथ बसपा का प्रचार करने उतरे सतीश चंद्र मिश्रा को इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा के निराशजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा की ओर लौट रही है। इसी बीच सतीश चंद्र मिश्रा के सबसे करीबी पूर्व मंत्री नुकुल दुबे को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद नुकुल कांग्रेस में चले गए। कहा जा रहा है कि बिना सतीश चंद्र मिश्रा से सलाह लिए वह कांग्रेस में नहीं गए होंगे। उस समय यह भी अटकलें थी कि मिश्रा खुद कांग्रेस में जा सकते हैं। बहरहाल सतीश चंद्र मिश्रा क्या करेंगे यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इस बड़ी बैठक के बाद यह बात पुख्ता हो गई है कि सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के अहम फैसले से दूर रखे जा रहे हैं। आज जो सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ, बहुजन समाज पार्टी हादसे पर गई, उसका जिम्मेदार सतीश चंद्र मिश्रा को ही बताया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह फैसला यदि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले होता, सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया होता, तो शायद आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री होती। शायद आज बहुजन समाज पार्टी का स्तर कुछ और ही होता। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।